तो ये हमारे पास RMS 17 दिसंबर सन 2023 का जनरल नॉलेज सेक्शन आ चुका है। इसके जो आंसर की है वो यहाँ पर होगी डाप्राम क्लासेस की तरफ से। तो पहला है, दुनिया की सबसे गहरी झील है, तो इसका आंसर है बैकल झील, यानी डी आंसर इसका सही है। इसके बाद दूसरा है, विच ऑफ दीज नॉट अ पार्ट ऑफ द 5 लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर है सही डी, हाइड्रोस्फीयर इसका पार्ट नहीं है। 100 मीटर के लिए जो बोल्ट थे वो किस देश से संबंधित थे, डी आंसर इसका भी सही है, दिल्ली जमैका से संबंधित थे। मलयालम किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका भी दिल्ली आंसर सही है, डैट इज केरल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे, तो इसका आंसर सी सही है, नील आर्म स्ट्रॉन्ग पहले वो मानव थे जो अंतरिक्ष में गए। इसके बाद अगला जो आ रहा है हमारे पास वो है, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, तो इसका आगरा आंसर सही है, ब्राज़ील सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। गेट वे ऑफ इंडिया स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, इसकी भी आंसर सही है। निम्न में लिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है, तो कौन सी भाषा हमारी शेड्यूल लैंग्वेज में नहीं है, तो इसका आंसर है आगरा मुंडाली, हमारी यहाँ में शेड्यूल में नहीं लिखी गई है। मदर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो मदर्स डे 2nd Sunday ऑफ मई को मनाया जाता है, आगरा इसका सही है। अगला है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया यानी बॉम्बे आंसर इसका सही है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी नहीं है इसका आंसर, इसका सही आंसर था फखरुद्दीन अहमद अली, डेट इज़ सी। तो जो 1975 में आपातकाल लगा था उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो इसका आंसर है चेन्नई, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। 63 का आंसर है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नॉन एज, तो यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान बॉम्ब कहते हैं, यानी इसका बॉम्बे आंसर सही है। 64 पे आते हैं, डैश इज द कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो इसका आंसर दिल्ली सही है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है हमारे स्पेस प्रोग्राम का फादर। एक घंटा कितने सेकंड का होता है, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 16 × 60 डेट इज मिलेगा अपन को 3600। अगले पे आते हैं, 67 पे, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो आंसर इसका सही है, M.N. रॉय, जो कि भारत में सबसे पहले संविधान का विचार देने वाले थे। इसके बाद आता है अगला, नई दिल्ली में सितंबर 2023 को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर है बॉम्बे एमैनुएल मैक्रॉन, सही आंसर है इनका, यानी बॉम्बे आंसर सही है। 68 पे आ चुके हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो 11 जुलाई यानी बॉम्बे आंसर इसका सही है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने के लिए। NRI का मतलब होता है, तो इसका आंसर है नॉन रेजिडेंस इंडियंस, निवासी भारतीय, यानी बॉम्बे आंसर सही है। भारत की पहली महिला IPS कौन थी, तो इसका भी सही आंसर आप सब जानते हैं, किरण बेदी जी पहली महिला IPS थी। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, यानी विच ऑफ द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में सबसे, तो हमारे प्यारे सॉरी उस के लिए, लेकिन हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। विच व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, सो इसका सही आंसर है 21 जून, डेट इज आगरा, तो आगरा 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सौर मंडल में सबसे चमकीले ग्रह का नाम बताइए, नेम्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सही आंसर इसका बॉम्बे यानी बी है, वीनस। आगे चलते हैं अपन 74 क्वेश्चन नंबर पे, तो 74 में लिखा है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, तो इसका आगरा आंसर है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। भारत की राजधानी कौन सी है, तो आप सबको पता है भारत की राजधानी दिल्ली है, तो सी आंसर इसका सही है। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन गोल्डन चतुर्भुज नेटवर्क में स्थित नहीं है, तो सही आंसर इसका चंडीगढ़ यानी दिल्ली है।
द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो भारत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड माना जाता है वो आगरा यानी प्रधानमंत्री को माना जाता है, डेट इज ए। और यहाँ पर है रिंग वॉर्म, जिसे दाद भी कहते हैं, इज द डिसीज ऑफ, तो जो दाद होती है, जो रिंग वॉर्म होता है वो फफूंद यानी फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होती है, यानी डेली आंसर इसका सही है। 79 पे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि चेन्नई आंसर में है। फ्रांस के पेरिस में प्रसिद्ध मीनार का नाम क्या है, तो आप जानते ही होंगे शायद, बहुत फेमस है, आईफिल टावर, आगरा आंसर इसका सही है। 81 पे आते हैं, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है, तो सफ़ेद जो रंग होता है वाइट एंड दिल्ली आंसर सही है इसका, जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो पीवी सिंधु हमें जानते होंगे आप, मेडल भी लेके आई हैं, या बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, आगरा आंसर सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में स्थित है, तो इसका चेन्नई आंसर सही है। मोतियाबिंद में क्या ख़राब होता है, तो आपको पता होगा मोतियाबिंद आँख की बीमारी है, आगरा आंसर सही है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से जो क्लॉट है, जो ब्लड क्लॉटिंग है, वो नहीं जम पाती, एनी प्रॉब्लम इन ब्लड, रक्त के जमावस्था की समस्या, यानी बॉम्बे आंसर सही है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से दो नोबेल पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से कोई शांति से था, तो किसको शांति से था, तो उनका आंसर है लुई पॉलिंग जो थे, यानी बॉम्बे आंसर वाले, चेन्नई आंसर वाले, इनको शांति के लिए मिला था। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता आगरा यानी चीन की सभ्यता है। तो अब 88 पे आ जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन है, यानी बॉम्बे आंसर सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु क्या है, तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष यानी 65 ईयर्स, यानी दिल्ली आंसर सही है। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है, तो आपका ये आगरा आंसर सही हो जाएगा। अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो अजंता के चित्र बौद्ध से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म इसमें, यानी दिल्ली आंसर सही हो जाएगा। मध्यकाल में निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में स्थित है, लिंगराज मंदिर काफ़ी फेमस भी है। बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है, आपको ही पता है, यह पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी बॉम्बे आंसर इसका सही है। और पृथ्वी दिशा में घूमती है, तो भाई हमें पता है कि जो हमारा दिन होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, यानी पृथ्वी इसकी विपरीत दिशा, पश्चिम से पूरब, यानी चेन्नई आंसर इसका सही है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो सही आंसर इसका कर्नाटक इसका सही आंसर होगा, यानी दिल्ली आंसर सही होगा। आगरा किस नदी पर पता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि आगरा यमुना नदी, यानी दिल्ली आंसर इसमें सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है, तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, इसलिए इनका नाम बॉम्बे सही होगा। पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो पेड़ के ऊपर जो उसके तने में बलय हो जाती है, रिंग आ जाती है, यानी दिल्ली आंसर सही है, इसमें रिंग से उसकी आयु का पता लगा लेते हैं। डिब्रूगढ़ किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता है डिब्रूगढ़ नाम की ट्रेन भी चलती है, काफ़ी फेमस है, असम का है, तो आगरा इसका आंसर सही है। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो